आवाम का खून चूसने पर आई एम एफ हुकूमत से खुश। टैक्स में इजाफे और बिजली की कीमत बढ़ाने पर आई एम एफ इमरान खान हुकूमत से राजी। पाकिस्तान को 1,50,90,000 डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। झटके पर झटका, अब आपको फिर धोबी फटका। बिजली एक माह में दूसरी बार महंगी करने की तैयारी। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे इजाफा करने की सिफारिश कर दी। नेप्रा 30 नवंबर की दरखास्त पर समाप्त करेगा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने पर शहरी से अख्वाब। बिजली की कीमत में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पहले ही बिल बहुत ज्यादा आता है, अब मजीद इजाफा होगा। हुकूमत गरीब आवाम के हाल पर रहम करे, शहरियों की दुहाई। इतनी महंगाई है हमारे मुल्क के अंदर, ना हमारे कारोबार हैं। एक तो लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी है, बिजली अब और महंगी होने जा रही है, गरीब बंदे के ऊपर बहुत बड़े असरात पड़ेंगे। बिजली के ये कहेंगे कारोबार पहले ही खत्म है और बिजली मजीद महंगी कर रहे हैं। मजीद जो ना पहले 10,000 बिल आता था दुकानदार, छोटी सी दुकान है, अब यह 30 से 40,000 रुपये बिल ला रहे हैं। अब वो क्या आदमी जो है ना करेगा कारोबार। बिजली के बिल मेरे घर के 10,000 रुपये के आए हैं भाई जान। मैं 15,000 रुपए कमाने वाला हूँ, 5,000 रुपए में मैं अपने बच्चों को क्या लेकर आऊंगा। पहले महंगाई ने कमर तोड़ रखी है हमारी ठेकों की, ऊपर से बिजली का बिल आ गया। हम मजदूरी करके बच्चों का पेट पाले या इनकी गवर्नमेंट के ये बिजली का बिल दें। दूसरे बिल हर तरह के लिहाज से हम तो बहुत जिंदगी से तंग आ चुके। सर्दी आते ही गैस सूख क्या ये मुल्तान अहमद खान और मियां वाली में गैस की बंदिश। एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों में बेहोश रुपए इजाफा। एलपीजी 240 रुपए किलो, लकड़ी 500 से 600 रुपए फी मन जा पहुंची। शहरी परेशान, हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। चौबीस घंटे अब गैस नहीं है घरों में बिल्कुल। एलपीजी देखो तो वो 250-280 रुपए किलो हो रही है। लकड़ी भी नहीं ले सकता बंदा, आप रोटियां बाबा मजबूरी होटल से रोटी लेने आते हैं। लकड़ियां महंगी है, गैस आती नहीं है, एलपीजी डबल रेट हुआ हुआ, हर चीज महंगी है। तंदूर बंद किया हुआ हमने गैस ना होने की वजह से। गैस भी महंगा, एलजीबी भी महंगी और लकड़ी भी महंगी है, और गरीब आदमी कहाँ से ले आए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गैस है ही नहीं और एलपीजी भी महंगी हो गई है, लकड़ियाँ भी महंगी है, गरीब कहाँ जाए। क्या खाएं, कैसे पकाएं, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएं। मुल्तान में गैस बंदिश पर खवातीन का पारा हाई। बाजार से खाना खरीदने और महंगे दामों एलपीजी सिलेंडर भरवाने पर मजबूर। कहती हैं गैस आती नहीं, बिल हजारों में आ जाता है। ये गैस होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो इस तरीके से गैस आती कि जैसे कोई दिया जल रहा हो। ना सब्जी पकती है, ना हम रोटी पका सकते हैं, और वैसे भी 9 बजे चली जाती है और 8 बजे गैस आती है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी 12-1 बजे के बाद थोड़ी सी ज्यादा होती है, वरना गैस आती ही नहीं है। महंगाई के बाद दाल को तड़का लगाना और भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते में खाना पकाने का तेल 28 रुपए महंगा। 100 लीटर पैकेट की कीमत 63 रुपए तक जा पहुंची। होटल मालिकान परेशान, कहते हैं कीमतें बढ़ने से इजाफी बोझ आ गया, ग्राहक की कुव्वत खरीद मुतासिर हो गई। मियांवाली वालों टंकी फुल करा लो, 2 दिन बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा। डीलर्स हुकूमत के झूठे वादों से तंग आ गए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का 25 नवंबर को पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। सदर पेट्रोल पंप एसोसिएशन मोहसिन खान का कहना है हुकूमत ने 15 रोज का वक्त मांगा था जो पूरा हो गया, मुतालबात पूरे होने तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। मुल्तान का जर तामीर बिहाड़ी रोड आवाम के लिए बन गया रोग। उड़ती धूल मिट्टी से शहरी सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला होने लगे मकीनों और राहगीरों को मुश्किल। इंतजामिया से रोड तामीर कराने का मुतालबा। बात यह है कि आवाम बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले में। जिन लोगों को सांस की तकलीफ नहीं भी है वो लोग भी यहाँ पे बीमार हो चुके हैं, सांस लेना बिल्कुल अजीरन है। हम यहाँ पे बहुत तंग है, आवाम के हम सब लोग बहुत तंग है। बच्चों को स्कूल से लेके आना होता है, सुबह छोड़ना होता है, जिसमें ये है कि बंदा भूत की शक्ल वाला बन जाता है जब मिट्टी सर पे हर जगह। और इस मामले से हम बहुत ज़्यादा तंग हैं और सारा दिन इधर मिट्टी में बैठे रहते हैं, कोई बंदा मिलता नहीं है हमें, देखें सारा ही सारी मिट्टी है इधर। बल्दियाती इदारे बहाल मगर कौन करेगा देखभाल। मुल्तान में यूसी नंबर 20 गुलबर कॉलोनी राइटर कॉलोनी मसालिस्तान बन गई। टूटी फूटी सड़कें, जा बजा गंदगी के ढेर। सफाई कंपनी वासा को मुतादिद बार शिकायत की मगर सुनवाई ना हुई। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा।
लैया में खस्ता हाल कश्मीर पार्क म्यूनसिपल कमेटी की तवज्जो का मंतजर, बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पानी की अदम दस्तियाबी के बायस पौधे खास खुश्क हो गए, इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। जनूबी पंजाब में खाद माफिया की शामत आ गई, जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, मुल्तान के बहावलपुर सुखन रोड पर ऑयल मिल के गोदाम पर छापा, जखीरा शुदा 5,000 से ज्यादा खाद की बोरियां बरामद, लोधरा में 15 खुफिया गोदामों से 10,000 खाद की बोरियां पकड़ी गई, लैया में महंगी खाद बेचने पर 3 डीलर्स को 70,000 और सनावा में डीलर्स को 35,000 रुपये जुर्माना, मुतादिद को वार्निंग, आइंदा खिलाफवर्जी पर दुकानें सील करने की इंदिया। दुल्हा दुल्हन निकाह खान को आहान को खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना होगा, खत्म नबूवत के सर्टिफिकेट के बगैर निकाह नहीं होगा, महकमा कानून ने निकाह नामे में तरमीम की समरी कैबिनेट को इरसाल कर दी। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया अपने मौसम को भूल गई, जतोई में जनूबी एशिया के सबसे बड़े डोनर सरदार कोड़े खान का मकबरा हुकूमत के दम तवज्जो का शिकार, मकबरे को ताले लग गए, सरदार कोड़े खान ने 450 मरबा राजी फलाही कामों के लिए वक्फ किया, जिला काउंसिल इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर का मौकिफ देने से इनकार।